हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? फ्रेंड ये रात के दुबई के 2 बज रहे हैं। फ्रेंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड रात का व्यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? फ्रेंड आपका अपना नेगी भाई फिर से नई वीडियो के साथ आ चुका है। फ्रेंड आप समझ रहे हैं फ्रेंड आज नेगी भाई क्या स्पेशल दिखाएंगे दुबई में। फ्रेंड मैं आज आपको दुबई का कुछ नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड, आज बस काइट फाइटिंग की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है 10 या 15 दिन रह गए हमारे 15 अगस्त आने में, और फ्रेंड बहुत अच्छी अच्छी मैंने पतंगें हैं, बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी की पतंगें हो गई, डोर हो गई, फ्रेंड आप लोगों को वो दिखाऊँगा। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है मैं दुबई आ चुका हूँ फ्रेंड, अब मैं कुछ पतंगबाजी भी नहीं कर सकता ना कुछ कर पाऊँगा। फ्रेंड जैसे कि तब मैं इंडिया में थे, मेरे बैग में बहुत पुरानी पतंगी थी कारीगरी की, अच्छे कारीगरी की, जैसे अजगर की हो गई, छोटा नरेश हो गया, बच्चे की पतंग हो गई, राजा की पतंग हो गई, वली रहमान की पतंग हो गई, बाबू टेलर हो गया, मेरठ की हो गई, फ्रेंड मुरादाबाद की पतंग हो गई, बरेली की हो गई, लखनऊ की हो गई, फ्रेंड कानपुर की पतंग हो गई, कोलकाता का पतंग हो गया, और फ्रेंड डोर भी बहुत अच्छी अच्छी है मेरे पास रखी हुई जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे बरेली लायंस की डोर हो गई, भाई कैसी हो गई, हासिल लल्ला हो गई, रियासत हो गई, ब्लैक डायमंड हो गया, सोना हो गया। फ्रेंड मेरे में डोर और काइट बहुत अच्छे अच्छे हैं फ्रेंड, आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो में, तब आप वीडियो देखेंगे फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड तब मैं इंडिया में था, तब मेरी 2 दिन के बाद फ्लाइट थी दुबई की। फ्रेंड तब मैंने अपने मेंबर को पतंगें दे दी थी कुछ, उनका नाम सुनील है और मेरे ब्रदर का नाम आपको पता ही है चिंटू है, वैसे हमें नेगी भाई से सब जानते हैं, और फ्रेंड मेरा नाम मुन्ना है, तो मुन्ना से जानते हैं, मेरा चैनल है खुद, फ्रेंड मेरा ही चैनल है वो। फ्रेंड आप लोग समझते होंगे फ्रेंड मैं लड़ाता क्यों नहीं पतंग। फ्रेंड मैं इसलिए नहीं लड़ाता क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ अच्छी अच्छी काइट फाइटिंग की। फ्रेंड मेरे को लड़ाने की इतनी नहीं थी, मैं अगर 2 या 3 पतंग लड़ाऊंगा हर गेम में फ्रेंड मेरा मन भर जाता है। फ्रेंड ज़्यादातर मेरा बदल लड़ाता है ज़्यादा पतंग, फ्रेंड उनको बहुत शौक है मेरे बदल का, वो नीचे से कम लड़ाते हैं और ऊपर से पेज ज़्यादा लड़ाते हैं, फ्रेंड उनको ऊपर का बहुत पेज बहुत फेवरेट है उनका। और फ्रेंड अगर मैं पतंग लड़ाता हूँ तो फ्रेंड मैं नीचे से लड़ाता हूँ, मेरे को ऊपर का नहीं आता था पहले। फ्रेंड पहले मैं क्या करता था, ऊपर से लड़ान देता था, अनदेखा पेज मारता था। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं अनदेखा पेज मारता था, फ्रेंड पहले मैंने अपने भाई का पेज देखा, मेरा भाई कैसे लड़ा रहा है ऊपर से, मैंने फ्रेंड अपने भाई को लड़ाने देता था ऊपर, क्यों मैं लड़ाता नहीं था खुद हर गेम में, कहीं भी ग्राउंड में जाता था। फ्रेंड मैंने अपने भाई को देखा और सीखा, तब मैं ऊपर से पेज लड़ाने लग गया। और फ्रेंड पहले मेरी ऊपर से मैं पेज जाता था तो मैं अपने भाई को दे देता था, मैं काट नहीं पाता था, फिर मैंने अपने भाई को देखा, फिर मैंने सब पहला पतंग फ्रेंड मैंने फंसा के काटा और दूसरा पतंग मैंने खींच से काटा। फ्रेंड आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर का भी पेज सीख गया। फ्रेंड वैसे मैं ऊपर का पेज कम लड़ाता हूँ, मेरे को नीचे का पेज ज़्यादा अच्छा लगता है लड़ाना, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड एक मेंबर हमारा और है, उसका नाम रोहित है फ्रेंड। फ्रेंड वो पहले पतंगबाजी हमारे साथ ही करते थे फ्रेंड, मगर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी उनकी फैमिली में, फ्रेंड कोई कमाने वाला नहीं था। फिर मैंने अपने मेंबर को बोला आप पतंगबाजी मत करो, मैं आपको अपना मटेरियल दिखा दूंगा पूरा, हम पैसे वैसे कुछ मत दो, हम मेरा टीम में आया करो और गेम लड़ाया करो, जितना मटेरियल है मेरा आप उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड आज वो बहुत कम आते हैं वीडियो में फ्रेंड, उन्हें टाइम नहीं मिलता, मगर फ्रेंड उनका मार्केटिंग का काम है, फ्रेंड उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता हमारे रोहित मेंबर को। फ्रेंड आज उन्होंने पतंगबाजी छोड़ दिया, फ्रेंड पतंगबाजी उन्होंने छोड़ दिया, मगर फ्रेंड उनका बैग मेरे पास ही रखा हुआ है। फ्रेंड कभी भी हमारा गेम काइट फाइटिंग आता फ्रेंड वो बहुत मुश्किल आ भी नहीं पाते, फ्रेंड उनका इतना टाइम नहीं लगता। और फ्रेंड मैं आपको कुछ फ्रेंड तब मैं इंडिया में था, मेरी 2 दिन पहले फ्लाइट थी दुबई की। फ्रेंड मैंने अपने ब्रदर को भी पतंगें दी थी और फ्रेंड अपने सुनील को भी पतंगें दी थी। फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे कारीगर की मैंने उनको पतंग दी थी। फ्रेंड अब मेरे मैम सुनील आपको और मेरा ब्रदर आपको पतंगें दिखाएंगे। फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड मेरा सुनील बताएगा आपको कौन कौन सी पतंगें मैंने हमने नेगी भाई ने दी है और कितनी पुरानी पतंगें दी है, वो सब सुनील बताएगा। फ्रेंड वैसे मेरी 2-2 साल पुरानी पतंग है जो अच्छी अच्छी कारीगरी की है। और फ्रेंड मेरी तरफ से आप लोगों को जितने भी ऑल इंडिया के काइट फाइटिंग हैं, सब भाई पतंग वाले हैं, सबको मैं 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आओ पतंग देखते हैं और डोर देखते हैं अच्छी अच्छी कारीगरी की।
फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा और लाते रहूँगा फ्रेंड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने नेगी भाई को आगे तक ले जाएं। आपका नेगी भाई बहुत मेहनत करता है फ्रेंड, ठीक है, बाय फ्रेंड। हेलो गाइस, जैसे कि आपके सामने मैं कुछ पतंगे दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे लेजेंडरी कारीगर होगी। एक्चुअली ये बैग जो है ये मेरे नेगी भाई का बैग है, उनकी कुछ पतंगे हैं और वो दुबई में जाके जॉब के चक्कर में गए हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो आएंगे 2 साल बाद, तो मैं ही लड़ा रहा हूँ गेम में, मैं ही करता हूँ। मैं और मेरा भाई है वो करते हैं, उनके छोटे भाई हैं वो करते हैं, 3-4 बंदे हैं करते हैं गेम में। और ये उनकी पतंग है कुछ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत पुरानी पतंग है और लेजेंडरी कारीगरों की पतंग है, बहुत शानदार पतंग है, देखिए इस तरीके की पतंग है। ये पतंग लंबे पर मैं ये हूँ इसकी, ठीक है, ये अच्छी पतंग है, ये कुछ इस तरीके की पतंग है, वो भी इसकी, ये भी उनकी इसकी है, तीनों पतंग उनकी इसकी है। और ये हमारे बहुत अच्छे कारीगर हैं, नंदी गाइड सेंटर, ये गीता कॉलोनी के कारीगर हैं, ये लंबे पर मैं की पतंग है, बहुत अच्छी इस तरीके की होता है। ये मोर लीजिए इसके पास से, ये मोर है, ये मोर है इसकी, बहुत अच्छी पतंग है, लगभग बहुत साफ सफाई से बनाते हैं ये पतंग। ये भी मुकेश की पतंग है हमारे, देखिए ये भी मुकेश की है, ये मुकेश की पतंग है। हमारे मोबिन अख्तर की पतंग है, गिलहरा पतंग जिसे बोलते हैं, कुछ लोग गिलहरा बोलते हैं, कुछ गिलास बोलते हैं, बच्चे कुछ कुछ नाम लेते हैं इसका, बहुत अच्छी पतंग है ये, कुछ इस तरीके की पतंग है। टेजिंग करी है मैंने, ये आज मेरा गेम है, आज लड़ेगी। ये भी लखनऊ के कारीगर है मोबिन अख्तर, उनकी पतंग है। ये पतंग है कुछ पतंग है मेरे पास, ये हमारे नेगी भाई की पटिया, ये गोल फरमे की पतंग, मेरठ की राजा की पतंग है, मेरठ के राजा की टेपिंग है इस तरीके की, ये पतंग है, ये 9-7 कुरेसी की पतंग है, लंबे फरमे हुआ। ये नौसिबा की पतंग है, ये मोड़ लीजिए, मुरादाबाद के कारीगर नौसिबा। ये हमारे फिर गुलफाम भाई है, गुलफाम भाई की पतंग बहुत अच्छी, ये हमारे गुलफाम भाई, ये कल्लू भाई की पतंग है, मुरादाबाद मुरादाबाद के कल्लू भाई, देखिए कितना अच्छा टोपी है, कुछ टोपिया बोलते हैं, कुछ चिड़ा बोलते हैं इसे, कुछ लोग इसे मुंटेदार बोलते हैं। मोर लीजिए कल्लू भाई की, ये मुकेश की पतंग है, ये हमारे बच्चे की पतंग है, बच्चा लखनऊ, ये लखनऊ के कारीगर है। बच्चा मोर लीजिए, गिरी मोर, ये भी असगर भाई की पतंग है, कुछ लोग इन्हें फोटो वाले असगर भाई बोलते हैं, ये इनकी फोटो, हर पतंग पे इनकी फोटो मिलेगी, ये इनके साइन है, ये इनकी मोहर है स्टैम्प, ये लगी हुई मोहर, एक ये मोहर, ये टूर्नामेंट पास पतंग है, हमने लड़ाई थी, हमला मारा था इस पतंग में, वो फिर मेरी पतंग है, अच्छी लगी है असगर भाई की पतंग।
ये पतंगी थी गाइस हमारे पास। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को बंद करते हैं सीधे, तब आगे और भी अच्छी पतंगी दिखाएंगे। ओके।